सो वेल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 1C, और यहाँ पे हमें रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू दी है और बोलता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, 1/√3 − √2, ये सही फॉर्मेट में नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, √3 − √2 है नीचे, तो हम लोग √3 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी। राइट, ऊपर आया मेरे पास √3 + √2, और नीचे आया √3 का स्क्वायर − √2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें न्यूमरेटर मिला √3 + √2, और नीचे आया 3 − 2। ठीक है, सो इट इज़ √3 + √2 इज़ माई द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, सो फर्स्ट वाला थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल देते हैं। सो दिस इज़ 1.7 एंड दिस इज़ 1.4, सो इफ आई एड इट इट इज़ गोइंग टू बी 3.1 एंड दैट्स इट। आई गेस दिस इज़ आर आंसर फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई करना था, दैट्स इट। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन को उठाते हैं और उसकी भी वैल्यू निकालनी है। सेकेंड एक्सप्रेशन है 1/√3 + √2। राइट, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 + √2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 − √2 से नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, ऊपर आया 3 − √2, और नीचे आया 3² − √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर में तो 3 − √2 सेम रहेगा, नीचे 3² 9 − √2 का स्क्वायर 8 होता है, तो हमें आया 3 − √2, और हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये तो 3 तो 3 होता है, −2 √2 होता है 1.4, सो 3 − 2.8 विच इज़ गोइंग टू बी 0.2। ठीक है, सो वेल, हमने वैल्यूज निकाली, क्वेश्चन नंबर 13 वॉज प्रिटी ईजी। ठीक है, हमें सिंपल सिंप्लीफाई करना था, और लास्ट में डेसिमल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। राइट, ओके।